student, this is Mehak and today we will determine surface tension of any liquid by using Jaeger's method. तो आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। तो सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो हमेशा एक इलास्टिक बैंड की तरह काम करता है। तो किस तरीके से वो देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं वाटर की बात करूं कि एक वेसल है मेरे पास और उस वेसल में मैंने वाटर को डाला हुआ है, तो देखिए जो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में होंगे, इस लेयर पे होंगे, उनके ऊपर एक लेयर है, उनके नीचे एक वाटर की लेयर है। तो यानी वो ऊपर वाली लेयर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाली लेयर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और इनके साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्होंने हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया और हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो इस तरीके से फोर्स लगाया कि सारे के सारे फोर्सेस जो है वो कैंसल आउट हो गए। यानी ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम पर पड़े हैं, यानी उनके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा। और यही बात अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, सरफेस के मॉलिक्यूल्स यानी इस लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनकी अगर बात करें, यानी सबसे लास्ट लेयर वाटर के मॉलिक्यूल्स की, तो इनके नीचे एक लेयर है वाटर की, उन्होंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया। इस तरीके से साइड में जो मॉलिक्यूल है वाटर का उसके ऊपर इन्होंने फोर्स लगाया। तो इस तरीके से ये फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं जो कि लेफ़्ट और राइट साइड में है, लेकिन एक रिजल्टेंट फोर्स है इन सरफेस की लेयर के ऊपर। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पड़े उसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स को उससे नीचे वाली मॉलिक्यूल्स की लेयर अपनी तरफ खींच रही है, स्ट्रेच कर रही है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो एक स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। यानी कुछ फोर्स लग रहा है इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे होते हैं। Today we will determine surface tension of any liquid by using Jaeger's method। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Jaeger's method क्या है। Jaeger's method में एक बेसिक प्रिंसिपल है जो यूज होता है, और वो बेसिक प्रिंसिपल वो है कि जब कभी भी एयर बबल बनता है किसी लिक्विड का, तो उस टाइम एयर बबल का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो 2T/R की क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब कि जो प्रेशर इनसाइड द बबल माइनस प्रेशर आउटसाइड द बबल, वो जो क्वांटिटी है वो हमेशा इक्वल है 2T/R के, और ये जो T है वो है सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड जिसका एयर बबल बन रहा है, एंड दिस R इज़ द रेडियस ऑफ द बबल। तो अब Jaeger's मेथड की तरफ देखते हैं कि Jaeger's मेथड का एपरेटस कैसा होता है। दिस इज़ द एपरेटस फॉर Jaeger's मेथड। तो Jaeger's मेथड में सबसे पहले हमारे पास एक बोतल होती है, और इस बोतल के ऊपर दो होल्स के साथ दो ट्यूब्स जुड़ी हुई होती है। एक जो है वो फनल ट्यूब है जो कि पीछे वाटर के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि यहाँ पर हम वाटर डालेंगे और वाटर की ट्यूब है ये फनल ट्यूब, और दूसरी ट्यूब लगी हुई होती है एक इस तरीके से, ये वाली ट्यूब देखिए, और ये वाली ट्यूब आगे कनेक्टेड होती है इस यू शेप ट्यूब से जिसको हम मैनोमीटर ट्यूब बोलते हैं, और उसका एक एंड हम कैपिलरी ट्यूब के साथ में जॉइन करते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब। और इस कैपिलरी ट्यूब को हम बीकर में रखे हुए लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, और ये वही लिक्विड है जिसका हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। और मैनोमीटर में एक लो डेंसिटी लिक्विड हम फील करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास जो लिक्विड है मैनोमीटर ट्यूब में वो है वाटर। तो इसका प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब जो बीकर में डिप की हुई है वो उस लिक्विड से की हुई है जिसका सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कैपिलरी के अगर हमने कैपिलरी को इस बीकर में डिप किया हुआ है, तो इसका मतलब कैपिलरी में कुछ ना कुछ लिक्विड जो है वो राइज़ हो गया। राइज़ होने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो बोतल है, ये बिल्कुल एम्प्टी बोतल है, अभी इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एयर है। जब हमने यहाँ फनल ट्यूब से वाटर ड्रॉप्स को इस तरीके से एंटर करवाया इस बोतल में कि वो ड्रॉप वाइज गिरे। जैसे ही पानी की ड्रॉप्स इसमें ड्रॉप वाइज गिर रही हैं बोतल में, तो हर एक ड्रॉप के साथ एयर जो है वो डिस्प्लेस हो रही है। एयर डिस्प्लेस हो रही है तो वो एयर डिस्प्लेस होकर इस ट्यूब से एक प्रेशर जनरेट कर रही है। जैसे ही वो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो ये एक ट्यूब जो है वो मैनोमीटर के एक लिंब के साथ जुड़ी हुई है। प्रेशर आया, मैनोमीटर ट्यूब में जो लिक्विड है उसको प्रेशराइज किया। जब यहाँ से प्रेशराइज किया तो एक लिंब में तो वाटर है उसका लेवल डिक्रीज़ हो गया और वहीं दूसरे वाले लिक्विड में उसका जो लेवल है वो अप हो गया। इसका मतलब यहाँ दोनों मैनोमीटर के लेवल्स में एक डिफरेंस आ गया, एक लोअर लेवल बन गया, एक अपर लेवल बन गया। उसी तरीके से यही प्रेशर जो कि इस ट्यूब से जनरेट हुआ वो आगे कैपिलरी ट्यूब में गया। जब कैपिलरी ट्यूब में वो प्रेशर गया तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज हो रखा है, जो लिक्विड राइज हो रखा है, उस प्रेशर ने उस लिक्विड को कंप्रेस किया। जब उस लिक्विड को कंप्रेस किया तो इसका मतलब एक वाटर जो बबल है वो जनरेट होना शुरू होगा, क्योंकि कैपिलरी में जो वाटर राइज हुआ है वो कंप्रेस हुआ तो कैपिलरी से बाहर निकलते वक्त वो एयर बबल की फॉर्म में बन जाएगा। तो अब उसी एयर बबल का यूज़ करके, जैसा कि जैगर्स मेथड में मैंने आपको बोला कि जब बबल बनेगा तो इनसाइड द बबल जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा आउटसाइड द बबल प्रेशर से, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2T/R है। तो उसी बबल का यूज़ करके उसी बबल के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का प्रेशर है वो कितना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट करेंगे। ये T फाइंड आउट करेंगे इस लिक्विड का। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिलरी के अंदर एक प्रेशर इस ट्यूब की वजह से आ रहा है और उस ट्यूब की वजह से लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो रहा है, जो कैपिलरी के अंदर राइज हुआ है, और वो उसे एयर बबल बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। तो मिनिमम से मिनिमम रेडियस जो उस बबल की होगी वो वही होगी जो कैपिलरी का डायामीटर होगा, उस जितना ही उसका साइज़ होगा। तो इसका मतलब जो एयर बबल इस कैपिलरी ट्यूब से निकल रहा है उसका साइज़ सेम वही है जो कि रेडियस या फिर डायामीटर होगा इसका। ठीक है, इसका मतलब जो हम फॉर्मूला में 2T/R लिख रहे हैं, T तो टेंशन हो गया इस लिक्विड का, और R जो हम कह रहे थे कि एयर बबल की रेडियस, इसका मतलब एयर बबल की रेडियस लीजिए या फिर कैपिलरी की रेडियस लीजिए, दोनों सेम बात हुई। तो जैगर्स मेथड में हमने कहा कि जैगर्स मेथड एक बेसिक प्रिंसिपल को नोट डाउन करता है, और वो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब कभी भी एयर बबल बनता है तो एयर बबल के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर का डिफरेंस जो है वो 2T/R के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए, जब एयर बबल बना, एयर बबल के अंदर का प्रेशर हमें चाहिए। एयर बबल के अंदर का प्रेशर वही होगा जो इस ट्यूब का प्रेशर होगा, और इस ट्यूब का प्रेशर भी वही होगा जो मैनोमीटर के ट्यूब्स का प्रेशर होगा, क्योंकि ये एक सिंगल ट्यूब है और इसी की वजह से प्रेशर जो है वो मैनोमीटर पे भी लग रहा है और कैपिलरी में भी लग रहा है। यानी कि जो प्रेशर लगा एयर बबल के अंदर, जो प्रेशर है वो प्रेशर सिर्फ इस एक ट्यूब की वजह से, यानी कि यहाँ का प्रेशर और एयर बबल के अंदर का प्रेशर सेम होगा। तो मैनोमीटर में देखिए, मैनोमीटर में मैंने आपको बताया कि प्रेशर लगने की वजह से एक लिंब की लेवल जो है वो कम हो गया, दूसरा लेवल जो है वो अपर हो गया यानी बढ़ गया। तो इन दोनों लिंब्स में एक डिफरेंस आ गया लेवल में। तो उस डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर, वहाँ से जो डिफरेंस की वजह से, हाइट की वजह से, मैनोमीटर के लिम्स की हाइट की वजह से जो प्रेशर बना वो H ρg की फॉर्म में बन गया। मान लीजिए अभी जो मैनोमीटर में लिक्विड है वो ρ1 डेंसिटी का है, तो एक जो प्रेशर हुआ इनसाइड द बबल का, ये P1 से डिनोट कर दीजिए, इसे P2 से डिनोट कर दीजिए। तो P1 जो होगा वो एक तो मैनोमीटर के लेवल में डिफरेंस होने की वजह से हुआ, तो वो है H। मान लीजिए H हाइट है दोनों का डिफरेंस, यानी दो लिम्स में जो हाइट का डिफरेंस है वो है स्मॉल h, और ρ1 मान लीजिए इन जो मैनोमीटर के अंदर लिक्विड है उसकी डेंसिटी। तो H ρ1g इज़ द प्रेशर इनसाइड दिस मैनोमीटर ट्यूब ड्यू टू दिस बोतल, और उसके साथ यहाँ पर एक जो लिंब है वो ओपन लिंब है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है इस लिंब से, तो प्लस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी मैनोमीटर के लिक्विड में जो अब टोटल प्रेशर लग रहा है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दूसरा उसकी हाइट की वजह से, जो लिम्स की हाइट के डिफरेंस की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ वो लग रहा है। तो P1 की वैल्यू जो हो गई वो h ρ1g प्लस P हो गई। तो इसका मतलब इनसाइड द बबल जो प्रेशर है वो ये वाली क्वांटिटी का प्रेशर है। अब हमें देखना है कि आउटसाइड द बबल कितना प्रेशर लग रहा है। अब आउटसाइड द बबल, बबल जो है वो सरफेस के अंदर सरफेस से नीचे बन रहा है। बबल के बाहर जो प्रेशर होगा वो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हुआ। तो यानी P2 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो P2 की वैल्यू एक कैपिटल P तो है ही, प्लस दूसरी कैपिलरी की हाइट की वजह से और इस बीकर में जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी की वजह से एक प्रेशर लग रहा है। मान लीजिए कि h डैश हाइट है जितनी की कैपिलरी इसके अंदर डीप है, और रो मान लीजिए इस लिक्विड की डेंसिटी है, तो रो इंटू जी। तो प्रेशर आउटसाइड द एयर बबल जो होगा वो P एटमॉस्फेरिक प्लस h डैश रो जी के इक्वल होगा। अब इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस 2t/r के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब h ρ1g प्लस p माइनस h डैश रो जी इक्वल होना चाहिए 2t/r के। r जो है वो रेडियस है बबल की या फिर कैपिलरी की रेडियस। तो यहाँ से अगर आप t फाइंड आउट करें तो t की जो वैल्यू है h ρ1 माइनस h डैश रो इंटू जी, और ये r/2 इधर ही चला जाएगा तो r/2। तो टेंशन, सरफेस टेंशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है किसी लिक्विड की तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा r g/2 इंटू h ρ1 माइनस h डैश रो। यहाँ r जो है वो रेडियस ऑफ द बबल है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h स्मॉल h जो है वो मैनोमीटर के दोनों लिम्स की हाइट का डिफरेंस है, ρ1 मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है, h डैश जो है जितनी कैपिलरी आपने बीकर के अंदर डिप की हुई है उसकी हाइट है, और रो जो है इस बीकर के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप जैगर्स मेथड से सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लिक्विड का। तो अब देखिए सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला निकला है वो है r g/2 इंटू h ρ1 माइनस h डैश रो। तो अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक रेडियस और एक ये वाली क्वांटिटी। तो इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए दो ऑब्जर्वेशन टेबल हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे एयर बबल की या फिर कैपिलरी की। एयर बबल की तो हम रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए कैपिलरी की रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, और कैपिलरी की रेडियस ही इक्वल है एयर बबल की रेडियस के, इसीलिए दोनों काम एक ही हुए। तो रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे कैपिलरी ट्यूब की। और यहाँ पर देखिए ये कैपिलरी का ओरिफिस है, कैपिलरी का ओरिफिस है, हमें इसी की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, इस तरीके से हमने रेफरेंस मार्क्स कर दिए, रेफरेंस मार्क कर दिए। तो अब हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से इन चारों एंड की, चार मैंने मार्क किए हुए हैं, तो मान लीजिए ये एंड जो है ये P एंड है, ये Q एंड है इधर वाला, और ये R एंड है, और ये S एंड है। तो अब इन चारों के ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम फोकस करेंगे, और फोकस करने के बाद इस कैपिलरी का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार P के ऊपर हमने फोकस किया, उसके बाद Q के ऊपर फोकस किया, फिर R के ऊपर फोकस करेंगे, फिर S के ऊपर फोकस करेंगे। अब P Q R S के ऊपर फोकस करने के बाद ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से उनकी हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, और वहाँ से हम डायमीटर, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर निकलेगा और एक वर्टिकल डायमीटर निकलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर का मीन फाइंड आउट करके कैपिलरी का मीन डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। और इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमने एक वीडियो पहले से डाली हुई है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की, तो उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पी पॉइंट के लिए हमने रीडिंग नोट डाउन करी और वो आई 6.590 सेंटीमीटर। फिर हम क्यू के लिए फोकस करेंगे, और क्यू को फोकस करके हम रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे, और वो रीडिंग्स है 6.371 सेंटीमीटर। और फिर हम आर पॉइंट के ऊपर अपने माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे, और वहाँ से हम रीडिंग लेंगे, और वो रीडिंग आ रही है 6.595 सेंटीमीटर। और फिर एस के ऊपर फोकस किया 6.390 सेंटीमीटर एस के लिए हमारी रीडिंग आ रही है। और फिर डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने पी में से क्यू को माइनस किया तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया तो वो डायमीटर हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला डायमीटर। उसी तरीके से आर और एस को हमने डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आर में से एस को माइनस कर दिया और आर में से एस को माइनस करके हमें वर्टिकल वाला डायमीटर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको एक ऑब्जर्वेशन से दो डायमीटर मिल रहे हैं, D1 और D2 यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर। और फिर हम इन दोनों का मिल लेंगे। उसी तरीके से हमने इस ऑब्जर्वेशन को एक बार और रिपीट किया है। ऑब्जर्वेशन को रिपीट करने के बाद जो डायमीटर निकल रहा है वो 0.208 सेंटीमीटर आ रहा है। और उसी तरीके से फिर इन दोनों डायमीटर का हम मीन लेंगे और फाइनल डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। और फाइनल डायमीटर जो है वो 0.21 सेंटीमीटर फाइंड आउट हुआ। और इस डायमीटर से हमने ओरिफिस की रेडियस फाइंड आउट की और वो रेडियस है 0.105 सेंटीमीटर। जो लिक्विड हम ले रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी हमें देखनी है कि कितनी है। तो उस डेंसिटी के लिए हम सबसे पहले उस लिक्विड का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। जो लिक्विड बीकर में हमारे पास है वो वाटर है। हम वाटर का सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो वहाँ से हमने सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन किया कि आज के दिन वाटर का टेम्परेचर कितना है। वो टेम्परेचर नोट किया तो वो 22 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद फिर 22 डिग्री सेल्सियस पे हमने डेंसिटी ऑफ वाटर लिखी और वो 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और फिर जो लिक्विड मैनोमीटर के अंदर था उसकी डेंसिटी हमें चाहिए और लिक्विड जो था मैनोमीटर के अंदर वो भी वाटर था तो उसकी भी डेंसिटी 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हम एच रो डैश फाइंड आउट करेंगे। तो इस टेबल में सबसे पहले हम कैपिलरी ट्यूब को एक पर्टिकुलर हाइट में डीप करेंगे इस बीकर के अंदर। तो मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर है, लेट अस से कि अभी के लिए वो 1 सेंटीमीटर है। तो उस 1 सेंटीमीटर के लिए हमें मैनोमीटर की 3 रीडिंग्स देखनी है। 3 रीडिंग्स हम देख लेंगे। एक हाइट के लिए हमें 3 ऑब्जर्वेशन करनी है। तो एक हाइट के लिए 3 ऑब्जर्वेशन करके हम यहाँ से एचरो माइनस एस सिग्मा फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन करते टाइम हम कैपिलरी की जो हाइट है उसे और इंक्रीज़ कर देंगे। तो सेकंड हाइट के लिए भी हमें 3 ऑब्जर्वेशन करनी है। इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो टोटल 6 रीडिंग्स अभी हम लेंगे। तो किस तरीके से सेट करना है ऑपरेटर स्कोर, किस तरीके से ये रीडिंग्स लेनी है वो अभी बताते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपिलरी को एक फिक्स हाइट से यहाँ पर डीप कर दिया है। तो अभी जो हाइट है हमारे इसकी कैपिलरी की जो डीप है इसके अंदर वो है 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर एच डैश हो गया। इस 1.8 सेंटीमीटर के लिए अब हमें बाकी सब रीडिंग्स लेनी है। तो आपको सेट कैसे करना है, सबसे पहले ऑपरेटर्स को सेट इस तरीके से करना है कि जो मैं पीछे से जब फ़नल को ऑन करूँगी, फ़नल को ऑन करने के बाद बबल्स बनना शुरू होंगे। तो ऑपरेटर्स को सेट इस तरीके से होना है कि जो बबल यहाँ पर बन रहे हैं उनका जो रेट है वो 1 मिनट में 5 to 6 या 6 to 7 बबल्स 1 मिनट में बनने चाहिए। अगर 6 to 7 बबल्स 1 मिनट में बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका ऑपरेटर सेट हो चुका है। और उसके बाद फिर आपको रीडिंग्स लेनी है। तो सबसे पहले हम वही सेट करते हैं। तो ऑपरेटर्स के पीछे ये एक ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। और पानी डालने के बाद यहाँ इसके नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये देखिए। इस स्क्रू को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ से ये फनल ऑन हो जाएगी और यहाँ पे ड्रॉप वाइज पानी गिरता रहेगा और बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको उन बबल्स के रेट को कंट्रोल करना है कि 1 मिनट में सिर्फ 6 से 7 बबल बनने चाहिए। तो का रेट देखते हैं कि बबल के फॉर्मेशन का रेट कितना है। यहाँ से मैं स्टॉपवॉच को ऑन करूँ, 5, 6, 7, यानी 1 मिनट में हमारे 7 बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब एपरेटस जो है वो सेट हो चुका है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखें, जैसे ही बबल बर्स्ट होता है, यानी कि जैसे कैपिलरी ट्यूब को छोड़ा, मैनोमीटर के लेवल में एक डिफरेंस दिखाई देगा आपको कि लिक्विड का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। देखना अभी, देखिए मैनोमीटर का लेवल जो है वो अप डाउन हो रहा है। तो आपको मैनोमीटर का जो लेवल नोट डाउन करना है वो तभी करना है जैसे ही बबल बर्स्ट हो, आपको तभी लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब का लेवल नोट डाउन करना है। यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, तो इस स्केल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर पे लोअर लेवल है और कितना सेंटीमीटर पे अपर लेवल है। अब कैपिलरी की 1.8 सेंटीमीटर हाइट के लिए अब हम हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल की मैनोमीटर में रीडिंग लेंगे। तो देखिए, जैसे ही बर्स्ट होगा बबल, तभी हमें मैनोमीटर की रीडिंग लेनी है। इस पोजीशन पे और जो लोवेस्ट लेवल था अब हम कैपिलरी को सेकंड हाइट के ऊपर शिफ्ट करेंगे। यानी कि पहले हमने 1.8 सेंटीमीटर की हाइट रखी, अब लेट अस से कि वो 2.8 सेंटीमीटर पे हम रख रहे हैं। कैपिलरी को सीधा रखने के लिए यहाँ हमने वर्नियर कैलिपर को रखा हुआ है बीकर के ऊपर, ताकि कैपिलरी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और उसकी हाइट आप इजीली मेजर कर सके, कोई स्लांटेड हाइट ना हो, वो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रखनी है। तो अभी जो हाइट है वो 2.8 है। अब 2.8 सेंटीमीटर की हाइट के लिए अब हमें दोबारा से वैसे ही सेम वे में रीडिंग लेनी है जैसे हमने 1.8 के लिए लिया था। हाइट को चेंज करने के बाद अब हम दोबारा से फनल ट्यूब को सेट करेंगे कि दोबारा से बबल्स जो है वो 1 मिनट में 6 से 7 बनने चाहिए। थोड़ा सा फास्ट है ये, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। अब ये सेट हो चुका है अपरेटस। अब सेट करने के बाद दोबारा से सेम उसी तरीके से रीडिंग लेंगे जैसे 1.8 सेंटीमीटर के लिए ली थी। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने कैपिलरी का 2 डिफरेंट हाइट के ऊपर रखा, डीप किया, और उस डिफरेंट हाइट के ऊपर हमने मैनोमीटर के हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल की रीडिंग्स ली, और वहाँ से ये रीडिंग्स जो है वो इस तरीके से आ रही हैं। जब 1.8 सेंटीमीटर हमने हाइट रखी कैपिलरी की, पानी के अंदर डीप किया इतनी हाइट पे, तो ए जो है यानी कि हाईएस्ट लेवल ओपन लिम्ब में, उसकी मीन वैल्यू 18.033 सेंटीमीटर है, और जो लोवेस्ट लेवल था क्लोज लिम्ब में वो 14.833 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से हमने दोनों लिम्ब्स में डिफरेंस, हाइट के डिफरेंस को नोट डाउन किया, और वो 3.2 था। और फिर यहाँ से हमने H ρ1 माइनस H' ρ लिया। जो ρ1 और ρ है हमारे पास दोनों के दोनों लिक्विड सेम है, इसीलिए डेंसिटी जो है वो दोनों की सेम है, और डेंसिटी 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने ली, और वहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया H ρ1 माइनस H' ρ की वैल्यू, और वो है 1.3958। उसी तरीके से सेकेंड हाइट के लिए कैपिलरी को हमने 2.8 सेंटीमीटर डीप किया पानी के अंदर, और फिर हाइएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल की हमने रीडिंग्स नोट डाउन करी, और वो रीडिंग्स नोट डाउन करने के बाद मीन वैल्यू जो है हाईएस्ट लेवल की वो है 18.533 सेंटीमीटर और लोवेस्ट लेवल की 14.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने यहाँ से कैलकुलेशन की और H ρ1 माइनस H' ρ फाइंड आउट किया, और वो 1.4287015 फाइंड आउट हुआ। फिर हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट हमें करना है। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला था वो था RG/2 इंटू H ρ1 माइनस H डैश रो। अब H ρ1 माइनस H डैश रो की हमारे पास दो वैल्यू है। अब इन दो वैल्यू को हमें मीन फाइंड आउट करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो दोनों का मीन फाइंड आउट किया तो मीन निकला 1.41225 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब H ρ1 माइनस H डैश रो की वैल्यू हमारे पास है। R हमने कैलकुलेट कर लिया है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये हमें पता है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। अब इन सब चीज़ों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सरफेस टेंशन का एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो R की जो वैल्यू थी वो है 0.105 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू है 981 और H ρ1 माइनस H डैश रो की वैल्यू जो है वो है 1.41225 /2। इन सब वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद जो एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा है वो है 72.79%। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन की वैल्यू हमने 22 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट किया, क्योंकि जिस टाइम हमने सरफेस टेंशन फाइंड आउट किया उस टाइम जो वाटर था उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन था। तो यानी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 22 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया कि वो 72.79 पर सेंटीमीटर है। और उसके बाद अब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट सरफेस टेंशन का एट 22 डिग्री सेल्सियस वो है 72.19 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो 72.1 जो था थ्योरेटिकल रिजल्ट है सरफेस टेंशन का 22 डिग्री सेल्सियस पे, और जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है वो है 72.7। तो अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करें तो यहाँ से जो परसेंटेज एरर है वो है 0.83%। तो जैगर्स मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन लिक्विड का सरफेस टेंशन एट रूम टेम्परेचर। जैगर्स मेथड से जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।